हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, MTS 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला था 7 मई को, लेकिन दिया नहीं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? आई होप कि मे बी इलेक्शन हो सकता है, बट एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी नोटिफिकेशन अभी आए हैं सभी में डिले हुआ है। आपका CPO में भी डिले हुआ, सिलेक्शन पोस्ट में भी डिले हुआ, और इसके साथ CHSL में भी डिले हुआ था। तो आई होप कि आपका MTS में भी डिले हो रहा है, बट ज़्यादा डिले नहीं होगा, 4-5 दिन के अंदर में मे भी आ सकता है, क्योंकि CHSL में भी इसी तरह से ज़्यादा दिन डिले नहीं हुआ था, 1 सप्ताह ऐसा डिले हुआ था, और कुछ कुछ में 15-20 दिन हुआ है। बट SSC का जो कैलेंडर होता है उसमें बोला, हमेशा बताया जाता है कि एग्जैक्ट टाइम से ही आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सभी जितने भी अभी नोटिफिकेशन आए सभी में। तो आई होप कि आपको 4-5 दिन के अंदर में ये नोटिफिकेशन देखने को मिले, और इसमें आप MTS में जितने स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट है, अगर वो 18 साल आपका हो गया है और इंटरमीडिएट भी क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइप की वैकेंसी आती है, एक हवलदार की आती है और MTS की आती है। तो आई होप कि इसमें वैकेंसी, देखिए 2-3 साल से इसमें वैकेंसी थोड़ा सी कम रह रही है, लेकिन वैकेंसी आएगी, अच्छी आ सकती है, इलेक्शन ईयर है, तो आई होप कि इसमें आशा है कि वैकेंसी अच्छी आएगी। और 25 साल तक होता है जनरल OBC और जनरल के लिए और EWS के लिए, और OBC के लिए 28 साल तक होता है। अब कुछ कुछ वैकेंसी ऐसी है जहाँ 30 इयर्स तक के लिए OBC सब के लिए होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैट्रिक लेवल का है, आपका बेसिक स्तर होगा, मैट्रिक लेवल से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो उसमें बेसिकली मैथ सबसे, मार्क्स इंक्लूड सबसे नहीं होता है। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका डिटेल में हम लोग वीडियो करेंगे, है ना, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, पैशेंस रखिए, डेफिनेटली आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप तैयारी में लगे रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।